ओके, तो आप इन दोनों फोटो को जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों फोटो में से कौन सी फोटो नकली है और कौन सी फोटो असली है। ये फोटो तब की है जब जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय पहलवानों द्वारा हड़ताल की जा रही थी और उस हड़ताल को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा जबरदस्ती भारतीय पहलवानों को वहां से हटाया जा रहा था और इसी बीच दो भारतीय महिला पहलवानों को एक पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, तब ये फोटो ली गई थी और सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। अब इन दोनों फोटोज में से एक फोटो AI द्वारा बनाई गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, AI द्वारा। ये वाली फोटो नकली है और ये वाली फोटो असली है। आई रिपीट, ये वाली फोटो एक फेक फोटो है। तो अब बात करते हैं कि ये फोटो बनाई कैसे गई थी। सबसे पहले मैं अपने फोन में ये एप्लीकेशन को ओपन कर लूंगा और जो सबसे ऊपर वाली जो फोटो आ रही है पहले नंबर की, उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखिए चेहरों पर डिब्बे बन गए हैं। सबसे पहले मैं इस वाली फोटो पर इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। वो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, मेकअप, स्किन, फीचर्स, और यहाँ पर एक ऑप्शन है स्माइल। मैं इस स्माइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और मेरे सामने पहले नंबर पर ऑप्शन आ जाएगा क्लासिक। बस मुझे इस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है और बस एक क्लिक में काम हो गया। अब मैं दूसरी वाली फोटो के साथ भी बिल्कुल यही सेम काम करूंगा। फोटो को जूम करूंगा और उसी ऑप्शन पर जाऊंगा, स्माइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और पहला ऑप्शन क्लासिक, इस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। बस काम हो गया। अब इसी फोटो के थर्ड पर्सन पर भी मैं ये इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पर जूम करूंगा, ऑप्शन पर जाऊंगा, स्माइल वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, क्लासिक वाला ऑप्शन, और अप्लाई कर दूंगा। और अब देखिए अप्लाई हो गया। बस अब आप इस फोटो को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे फ्री में यूज कर रहा हूँ, तो जब मैं इस फोटो को डाउनलोड करूंगा तो मुझे उस एप्लीकेशन का वाटरमार्क मुझे उस फोटो पर मिलेगा जब मैं फोटो को डाउनलोड करूंगा। लेकिन किसी भी फोटो से वाटरमार्क हटाना बहुत ही आसान काम है। सीधा सा आप पेड सर्विस लेकर भी इसे हटा सकते हैं और यहाँ पर आप इफेक्ट चेक कर सकते हैं पहले और बाद का। चलिए इस बार मैं अपनी फोटो के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं अपनी फोटो सेलेक्ट करूंगा, उसी ऑप्शन पर जाऊंगा, स्माइल वाले ऑप्शन पर, तो फिर स्माइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहले नंबर का ऑप्शन क्लासिक, और इसे मैं अप्लाई कर दूंगा और एक सेकंड के अंदर ये काम हो जाता है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस एप्लीकेशन की मदद से मैंने ये फेक फोटो बनाई है वो ऐप अलग हो और जिस फर्जी आदमी ने वो फेक फोटो बनाई थी वो AI वेबसाइट या ऐप अलग हो। और सिर्फ एक नॉलेज पर्पस से मैंने आपको ये करके दिखाया है कि अगर किसी AI टूल का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। हो सकता है वो भाई साहब यही हो जिन्होंने ये सब कांड किया हो बदनाम करने के लिए। आपने देख लिया होगा कितने बुरे तरीके से एडिटिंग कर रखी है। जो ये काम कर रहे हैं उनको शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि भगवान ऐसे आदमी बना कैसे देता है कि हमें इस चीज को ऐसे चेंज करना है या जो लड़कियां परेशान है उसके मुंह पे स्माइल दिखानी है। मुझे नहीं लगता उनके अंदर दिल भी होगा या उनके अंदर थोड़ा बहुत भी ये होता है ना, थोड़ा बहुत भी मतलब है ही नहीं, दिल ही नहीं होगा आई थिंक कि उनके अंदर कुछ भी। तो बस बड़ा अजीब लगता है ये चीज़ है कि कैसे बुरी तरीके से IT